सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको मिलता है रेलवे से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं वो मिलते हैं, एजुकेशनल वीडियोस मिलता है, और ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सारे क्वेश्चंस का वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे टिशू किसे बोला जाता है, टिशू यानी उतक किसे बोलते हैं, तो कंपोजिशन ऑफ सेल्स को टिशू बोला जाता है। तो देखिए इनर्ट गैस और वार्म ब्लडेड दो ऐसे टॉपिक हैं जिससे रोज एक नए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वार्म ब्लडेड में कौन सा जो एनिमल है वो वार्म ब्लडेड है या नहीं है, जो रेप्टाइल्स है या मैमल्स है वो है या नहीं है, या फिर ऐसा कौन सा एनिमल जो कोल्ड ब्लडेड है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स आगे एक प्रश्न है कि इफ वेलोसिटी इज डबल देन व्हाट चेंज अकर्स इन काइनेटिक एनर्जी। अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दें, दुगना कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या परिवर्तन आएगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम बी स्क्वायर, 1/2 mv² होता है। तो यहाँ हम अगर v को डबल करेंगे तो v की जगह पर 2v आ जाएगा, तो हाफ एम बी स्क्वायर का अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ m और 4v² आ जाएगा। तो नीचे का 2 और ऊपर का 4 कट जाएगा तो ऊपर 2 बचेगा, पूरा क्या आएगा 2mv² आ जाएगा। देखिए आगे देख लेते हैं क्लोरीन का दूसरा नाम क्या है। तो क्लोरीन को हम डिसइंफेक्टेंट भी बोलते हैं। अगर आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो वहाँ पे पानी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए आप देखते होंगे कि स्विमिंग पूल का जो टेस्ट है, पानी का टेस्ट है, वो कुछ अलग टाइप का आता है, वो होता है क्लोरीन की वजह से, या फिर आपके गर्म जो पानी आता है पीने का उसमें भी क्लोरीन डिजॉल्व रहता है, तो एक रेंज रहता है और उस रेंज में क्लोरीन को डिजॉल्व किया जाता है पानी में ताकि हम लोग इन्फेक्शन से बचे रहें। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स फोर्स का एसआई यूनिट पूछा गया है, तो फोर्स का एसआई यूनिट हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास सिक्स से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका हो जाएगा न्यूटन। और देखिए फ्रेंड्स जितने भी अभी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाले हैं, या फिर कल भी हुआ था ग्रुप डी का एग्जाम, तो कल भी ये एसआई यूनिट पूछा गया था। तो देखिए पूरे ग्रुप डी के एग्जाम में एसआई यूनिट पूछने वाला है, तो आप सारा का सारा एसआई यूनिट रट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, 17वां ग्रुप को क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी के बारे में भी पूछा गया था आज। तो देखिए जो हम लोग सुनते हैं, ह्यूमन बींग जो सुनते हैं, वो 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज के बीच का जो फ्रीक्वेंसी रहता है वो सुनते हैं, लेकिन अगर 20 हर्ज के ऊपर जाते हैं तो हो जाता है अल्ट्रासोनिक। वो कौन सुनता है, वो बैटमैन सुनता है, तो चमगादड़ होता है, वो लोग अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन लेते हैं। अगर 20 हर्ज से नीचे आते हैं तो उसे कहते हैं इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। वो लोग कौन सुनते हैं, जो हाथी लोग होते हैं ना, वो लोग इंफ्रासोनिक साउंड सुन लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्मॉलेस्ट बर्ड के बारे में पूछा गया था, सबसे छोटी चिड़िया कौन सी है, तो हमिंग बर्ड हो जाएगी सबसे छोटी चिड़िया। लार्जेस्ट बर्ड के बारे में पूछा गया था, सबसे बड़ा पक्षी कौन है, तो हो जाएगा ऑस्ट्रिच। हालांकि ये पूछा नहीं गया था, लेकिन हो सकता है आगे पूछ दें, क्योंकि स्मॉलेस्ट बर्ड पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स आगे देखते हैं, यहाँ पे पूछा गया है मिनीमाटा डिजीज किससे होता है, तो ये डिजीज होता है मरकरी से। ठीक है, और आगे पूछा गया है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग क्लास सिक्स से पढ़ते आ रहे हैं, कि 1 horsepower में कितना वाट होता है। और बहुत लोगों के घर में तो पंप होता है जैसे पानी वानी खींचते हैं, उसमें ये सब HP का प्रयोग होता है, उसमें लिखा रहता है। तो 1 HP में 1 horsepower में 746 वाट होता है। आगे देख लीजिए, वह प्लांट हार्मोन जिसके कारण वह सूरज के किरणों की तरफ झुकता है, ऐसा कौन सा पौधे का जो हार्मोन है जिसकी वजह से वह पौधा सूरज के किरण की तरफ झुक जाता है, तो हो जाएगा ऑक्सिन हार्मोन जो एक प्लांट हार्मोन है। आगे देख लेते हैं, देखिए फ्रेंड्स हु डिस्कवर आरएच फैक्टर को किसने डिस्कवर किया, तो लाइन स्टेनर ने डिस्कवर किया। व्हाइट फाइबर कहाँ मौजूद होता है, तो व्हाइट फाइबर मौजूद होता है मसल्स में, मांसपेशी में हमारे। ठीक है आगे देख लीजिए, मरुस्थल में कौन से पौधे उगते हैं, जैसे कि राजस्थान में आप जाएंगे तो वहाँ डिजर्ट है, तो वहाँ पे एक पौधा पनपता है और उस पौधे को पानी की जरूरत नहीं होती है, तो उस पौधे को क्या बोलते हैं, तो ज़ेरोफाइट उस पौधे को बोलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, सबसे भारी धातु कौन है, सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। ठीक है, अगर आपसे सबसे कठोर तत्व पूछा रहता तो वो डायमंड हो जाता। देख लीजिए आगे देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का सबसे लंबा हड्डी कौन सा होता है, तो फेमर एक बोन है जो ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबा होता है, फेमर जो कि आपके हिप्स को लेकर नी तक, जो घुटना है और हिप्स दोनों के बीच को जो टांग की हड्डी होती है उसे ही बोलते हैं फेमर। आगे देख लीजिए, अगर ये आपसे ये पूछा है तो
हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछ दे कि सबसे स्मॉलेस्ट बोन क्या होता है ह्यूमन बॉडी में, तो हो जाएगा स्टेप्स, कान की हड्डी। देखिए फ्रेंड्स, आगे पूछा गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाई है, जो मॉडर्न आवर्त सारणी है वो किसने बनाई है, तो मोजले इसका सही आंसर हो जाएगा। कि मॉरिशस की राजधानी क्या है, तो पोर्ट लुई मॉरिशस की राजधानी है। दूसरा क्वेश्चन है जग्गी वासुदेव को पद्म भूषण किस लिए मिला है, तो उन्हें यह स्पिरिचुअलिटी के लिए मिला है, आध्यात्मिकता के लिए उन्हें यह पद्म भूषण मिला है। आगे देख लेते हैं आई डू व्हाट आई डू ये किसकी किताब है, तो ये रघुराम राजन की किताब है। तो आगे देख लेते हैं ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम्स में, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपसे ऑरेंज ही पूछेगा, अलग अलग फ्रूट में अलग अलग एसिड्स पाए जाते हैं, वो सब आपको याद कर लेने हैं। तो साइट्रिक एसिड है जो कि ऑरेंज में पाया जाता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आगे फ्रेंड्स, आपसे कुछ फ्लेमिंग रूल्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो फ्लेमिंग रूल्स को आप कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे आप अच्छे से। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा गया, तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इसका फॉर्मूला होता है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, देखिए मनुष्य में टोटल जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 46, और पेयर में अगर आपसे पूछे तो हो जाएगा 23। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे कुछ पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चन पूछा गया था, जैसा कि आपको पी का वैल्यू दे के रखा था, एम की भी वैल्यू दे के रखी थी, और जी का भी वैल्यू दे के रखा गया था। आपसे एच हाइट पूछा गया था, तो पी इक्वल टू होता है MgH, पी का वैल्यू पुट कर दोगे, एम का वैल्यू पुट कर दोगे, जी का वैल्यू पुट कर दोगे, तो एच का यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। चलिए, आपसे एनर्जी का यूनिट भी पूछा गया है, तो एनर्जी का यूनिट तो जूल होता है, और फ्रेंड जितने भी क्वांटिटी हैं आपको सबके ऐसा यूनिट आपको रट लेने हैं, क्योंकि हर एग्जाम में हर शिफ्ट में यूनिट पूछा जा रहा है। देखिए वाइन का HP आपसे पूछा गया, सॉरी वाइन का pH वैल्यू आपसे पूछा गया है वाइन का, तो कल भी ये पूछा गया था वाइन का हो गया या ब्लड का हो गया, फिर सोडियम क्लोराइड उसका pH पूछा जा रहा है, तो जो वाइन का pH हो जाएगा वो 3.0 से लेकर 3.4 तक होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है, तो इंसुलिन का निर्माण होता है पैनक्रियाज में, अग्नाशय में। ठीक है, आगे देख लेते हैं हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। फ्रेंड्स, GS में आपसे ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं छोटे छोटे, और आपको एलिमेंट का एटॉमिक वेट भी पूछा जा रहा है, तो आप ये सब अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको बोला गया है विषम फाइंड करने के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन है 53, 62, 71, 33, तो यहाँ पे होगा 62, क्योंकि 62 इवन नंबर है और बाकी सब ऑड नंबर, लेकिन दोस्तों ये गलत है, ऐसा नहीं होगा, जो ऐसा करके आए हैं वो उनका गलत है, क्योंकि देखिए 53 में अगर आप 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आता है, 62 में आप 6 और 2 को जोड़ेंगे तो आपका आता है 8, 7 और 1 जोड़ेंगे तो आता है 8, लेकिन आप 33 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये 33 जो है आपका विषम हो जाएगा। ठीक है, मिर्च अदरक लहसुन इस तरह का वेन डायग्राम के बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप वो चेक कर लेंगे। देखिए आगे आपसे कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि SAME इक्वल टू EMAS, तो SOUND का क्या होगा, तो देखिए आप अच्छे से देखेंगे SAME का, तो यहाँ पे उल्टा यहाँ पे दे दिया गया है, जैसे कि S लास्ट में S है, A फिर लास्ट में S है, जो E है वो फर्स्ट में फिर है। ठीक है, वैसे ही आप साउंड है तो आप कैसे लिखेंगे DNUOS। ठीक है, आपसे कुछ एशियन मेंबर से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एशियन मेंबर कितने हैं टोटल, तो 10 मेंबर हैं। आगे देख लेते हैं, हरिद्वार कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो गंगा नदी के किनारे हरिद्वार बसा हुआ है। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री अवार्ड किसे मिला है हाल फिलहाल में, तो ये मिला है सलमान खान साहब को। आगे देख लेते हैं, बिग बॉस के होस्ट कौन है, तो सबको पता है अभी ये तो स्टार्ट हो गया है, तो बिग बॉस के जो होस्ट हैं 11th होस्ट वो है सलमान खान। देखिए सबसे गंदा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो ये हो जाएगा मथुरा। रोड सेफ्टी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाए गए हैं, तो ये हो जाएगा अक्षय कुमार। वैसे ये PNB के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाए गए हैं, तो हो जाएगा विराट कोहली। आगे है पेटीएम फाउंडर कौन है, तो वो हो जाएगा विजय शेखर शर्मा। देखिए आपसे पूछा गया कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, और ALP में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ग्रुप डी में भी आज पूछा गया, और कल भी परसों भी आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। तो आप ऐसे क्वेश्चंस याद कर लेंगे कि जैसे अलग अलग फील्ड में अलग अलग जो लीडर हैं वो कौन से डिपार्टमेंट रखते हैं।
तो निर्मला सीतारमण हो जाएगा भारत की रक्षा मंत्री। चलिए, हाई स्पीड ट्रेन सऊदी अरब में कौन सी है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया था। तो ये है जो अभी प्रोजेक्ट बन रहा है, ये है अल हरमैन। यह 453 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो इसका आंसर कैनबरा हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, कल के एग्जाम में, और आज भी रिपीट हुआ है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सा है, तो ह्यूमिंग बर्ड स्मॉलेस्ट बर्ड हो जाएगा। नोबेल प्राइज पीस के लिए किसे मिला है, तो आइकन को, ICAN ऑर्गेनाइजेशन को ये नोबेल पीस का पुरस्कार मिला है। आगे देख लेते हैं इंटरनेशनल वेमेन डे कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को ये मनाया जाता है। आगे फ्रेंड्स, नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। मिस फेमिना का अवार्ड किसे मिला है, तो अनुकृति व्यास को, जो तमिलनाडु की हैं, उन्हें ये मिला है। IPL और राजस्थान रॉयल के कोच का यहाँ पे पूछ लिया गया, तो आप यहाँ पे देख लेंगे कि राजस्थान रॉयल्स के कोच कौन है और इसके कैप्टन तो अजिंक्य रहाणे हैं, तो आप ये चेक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैथ्स के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और ट्रिगोनोमेट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहा है। कल भी ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया था और ज्योमेट्री से, दोनों आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही साथ आपसे पूछा जा रहा है ट्रेन्स के क्वेश्चंस, प्लेटफॉर्म दे दिया है, उसकी लेंथ, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। LCM से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और SCF, जैसे कि 24 और 42 के LCM और SCF का अनुपात क्या होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और साथ में बोर्ड मॉस हो गया, ए से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपसे एक और क्वेषन पूछा गया कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे। और साथ साथ दूसरा क्वेश्चन है, 25 ग्राम 2 ग्राम कितना प्रतिशत होता है, 25 ग्राम में 2 ग्राम कितना प्रतिशत होता है, तो परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, तो आप इसे एक बार देख लेंगे। आगे देख लेते हैं, देखिए फ्रेंड्स, CM ऑफ झारखंड के बारे में यहाँ पूछ लिया गया है। झारखंड के CM कौन है, तो रघुवर दास हैं। गवर्नर ऑफ झारखंड, झारखंड के राज्यपाल कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। आगे देख लेते हैं, हुसैन लेक कहाँ स्थित है, हुसैन लेक हैदराबाद में स्थित है। और ये किन्होंने बनाया था, तो ये बनवाया था इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने बनाया था इसे। नैनीताल लेक कहाँ पे स्थित है, तो ये UK यानी उत्तराखंड में स्थित है। और ये किस शेप्ड में है, ये किडनी के शेप्ड में है, किडनी के स्ट्रक्चर में इसे बनाया गया है। आगे पूछा गया है, टिम साधु किस देश से खेलते हैं, तो टिम साधु ये एक क्रिकेटर हैं जो कि न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं। आगे देख लेते हैं, गुलाम वंश की शुरुआत किसने की, तो गुलाम वंश की शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर दें इस वीडियो को, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बी हैप्पी एंड बी सेफ।